आज आम मैंने पढ़ा एनी थ्री केस स्टडीज आज सक्सेस स्टोरीज एड्रेसिंग एनवायरमेंटल इश्यू आम एनी थ्री केस स्टडीज आज सक्सेस स्टोरी एड्रेसिंग एनवायरमेंटल इश्यू। तो केस स्टडी वन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। केस स्टडी वन होची केमिति कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करूछंती फॉरेस्ट कंजर्वेशन पाई। कम्युनिटी माने ग्रुप ऑफ पीपल। तो केस स्टडी वन रे तुम जाऊँ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। द अंधेरी फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन द लाइकेरा एंड किरमेरा ब्लॉक्स ऑफ झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट। गोटे अंधेरी फॉरेस्ट अच्छी जोड़ा कि लाइकेरा गोटे भिलेज आ किरमेरा गोटे ब्लॉक जोड़ा कि झारसुगुड़ा जिले में जाऊँ गोटे फॉरेस्ट अच्छी से फॉरेस्ट ना हूँ अंधेरी फॉरेस्ट। इट हैज एन एरिया ऑफ मोर देन 1000 हेक्टर्स एंड इज वन ऑफ द बिगेस्ट सैक्रेड ग्रुप इन द कंट्री। एटा होची गोटे बिग्रेट सैक्रेड ग्रुप माने एई जंगल रे थिबा सब गछ मानकु लोक माने पूजा करंती सेति पई एटा होची गोटे सैक्रेड ग्रुप। पीपल हैव बीन वर्शिपिंग गॉडेसेस अंधेरी फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल। लोक माने एई जगह रे एही जंगल रे थिबा गॉडेसेस अंधेरी कु पूजा करी आसुछंती। दिस बॉन्ड ऑफ फेथ विथ गॉडेसेस बिकम इंस्ट्रूमेंटल फॉर इट्स कंजर्वेशन। एटा फेथ गणेश फेथ पाई से माने फॉरेस्ट को कंजर्वेशन करुछंती। द कंजर्वेशन ऑफ अंधेरी फॉरेस्ट शुड बी सर्व एज एन एग्जांपल फॉर अदर्स। एटा होची गोटे एग्जांपल केमिति फॉरेस्ट को कंजर्वेशन करा जाए और झारसुगुड़ा लोक माने केमिति फॉरेस्ट को कंजर्वेशन करंती। एटा होची अंधेरी फॉरेस्ट। ए अंधेरी फॉरेस्ट रे लोक माने गणेशस को पूजा करंती और ए जंगल को प्रोटेक्शन करंती। एटा हला गोटे केस स्टडी। नेक्स्ट सेकेंड केस स्टडी इज कंट्रोलिंग एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली। एयर पॉल्यूशन इज द सिंगल मोस्ट क्रिटिकल प्रॉब्लम फेस्ड बाय द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिल्ली। एयर पॉल्यूशन होची गोटे मोस्ट क्रिटिकल प्रॉब्लम जोड़ा कि दिल्ली रे देखा जाउची। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होची WHO रिपोर्ट्स दिल्ली इज द फोर्थ मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। WHO अनुसार पृथ्वी चतुर्थ देश इंडिया रो गोटे राज्य गोटे अंचल हूँ दिल्ली जोड़ा कि मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। द सोर्स ऑफ पॉल्यूशन लोड टू दिल्ली आर प्रिंसिपली ड्यू टू द रोड डस्ट ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड इंडस्ट्रियल इमोशंस एंड ओपन फायर्स इंक्लूडिंग कुकिंग एंड बाय बर्निंग वुड एंड डिफॉरेस्टेशन एंड डिटोरिंग ऑफ एयर क्वालिटी। तो दिल्ली में एयर पॉल्यूशन मेनली ड्यू टू कौन पे हूँ विभिन्न प्रकार रोड डस्ट जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जो इंडस्ट्रियल इमोशन जो ओपन फायर जो ये सब पॉल्यूशन रो मात्रा दिल्ली में बढ़ुची। तो यहाँ हूँ दिल्ली रो पॉल्यूशन केमिति होउची तार गोटे इमेज। नेक्स्ट है ड्यू टू एयर क्वालिटी ऑफ द पीपल ऑफ दिल्ली सफर फ्रॉम सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। दे सफर रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर फील सफोकेटेड विद द बर्निंग ऑफ आई एनी टाइम ड्यूरिंग द डे। ये कौन हो जितेबाला ये पल्यूशन रात्रा बढ़ुच्ची लोक मानक निश्वास प्रश्वास नवे कष्ट आ सफोकेटेड से लगुच आ पल्यूशन रात्रा भी बढ़ुच्च। द सेंट्रल पल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज मॉनिटरिंग द एयर क्वालिटी। जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अच्छी से एयर क्वालिटी को मॉनिटर करुची रिगरसली। द गवर्नमेंट इनिशियली एनकरेज एंड सब्सिक्वेंटली मैंडेटेड दिल्ली स्पेड टू लोकल बसेस टू रन CNG। से कौन करुची ना एयर पॉल्यूशन को कमेया पे CNG बा कंप्रेस नेचुरल गैस यूज करबा को कहा जाउची। सो द पॉल्यूशन बिकम्स लेस एंड इट बिकम चीपर देन डीजल। सेति पई पॉल्यूशन रो मात्रा कम हबो आउ एटा CNG टा डीजल मात्रा रे टिके सस्ता रहइबो। A number of awareness programs have been launched for the purpose of keeping air pollution free. Bibhinna prakar air pollution ku kameba pai bibhinna prakar awareness program kara jauchi. Recently the honorable Supreme Court has banned the stage of vehicles not compliant with Bharat Stage 4 emission standard after 31st March 2017. Vartaman Supreme Court karile je जो BS4 इंजिन जो गाड़ी जाक अच्छी से गाड़ी जाक यूज करना फल पल्यूशन रात्रा कम। तो यहाँ हूँ गोटे केस स्टडी जोटा कि पल्यूशन रात्रा कम साय कर। नेक्स्ट है केस स्टडी थ्री
community participation for rainwater harvest to fight drought. आउ गोटे केस स्टडी हेला केमिति कम्युनिटी माने लोक माने केमिति मिसिकी गोटे रेन वाटर को कंजर्व करिकी केमिति ताकु संरक्षण करिकी यूज करुछंती. लोपेडिया ए विलेज ऑफ 200 हाउसहोल्ड अबाउट 80 किलोमीटर अबव द स्टेट कैपिटल ऑफ जयपुर इन राजस्थान इज अ शाइनिंग एग्जांपल हाउ द रेसिडेंट्स ऑफ द विलेज हैव मैनेज्ड टू फाइट ड्रॉट एंड सेव द विलेज फ्रॉम पॉल्यूशन और नेचुरल डिजास्टर. लोपेडिया गोटे भिलेज जोड़ा कि जयपुर अच्छी जयपुर राजस्थान अच्छी से लोक मैंने केमिति रेन वाटर को संरक्षण करषि कार्य विभिन्न प्रकार ड्रिंकिंग प्रपोज यूज कर द भिलेजर्स प्लांट आउट इनोवेटिव प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग चौका से माने कौन कर चौका गोटे कर चौका मानने जगह हूँ चौका यक आम कह चौका स्क्वायर डाइक्स यक आम चौका कह स्क्वायर डाइक्स जोड़ा कि रेन वाटर को संरक्षण करके रखुं द विलेजर्स प्लान आउट एन इनोवेटिव प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग चौका दिज आर द स्क्वायर डाइक्स दैट द विलेजर्स हैव डग इन द फील्ड्स. विलेजर माने गोटे बिलरे स्क्वायर डाइक्स को करुं रेन वाटर को संरक्षण करके रखुं दैट ट्रैप जस्ट एनफ वाटर टू सॉइल प्रोडक्टिविटी एंड अलाउ एक्सेस वाटर टू फ्लो आउट थ्रू इट. चौकास फ्रॉम अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड वाटर डाइक विथ अ गैप लेफ्ट वन साइड सो दैट माने एजा को चौका जोड़ा के रेन वाटर को हार्वेस्ट करिया पई यूज करा जाउची. मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड्स ऑफ सॉलिड विभिन्न प्रकार सॉलिड वेस्ट जमिति के म्युनिसिपैलिटी सॉलिड वेस्ट हो आमे जो अळिया आवर्जना फिंगी दोचे खाद्य फिंगी दोचे ए सब सॉलिड वेस्ट तक केमिति डिस्पोजल होची गोटे जागा रो अन्य जागा को केमिति जाउची ना केमिति सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल होची ना ओपन बर्निंग. प्रथम है ओपन बर्निंग इट इज ए कॉमन प्रैक्टिस इन कम्युनिटीज विथ इनएक्वेट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम म्युनिसिपल वेस्ट इज रिड्यूस बाय बर्निंग इन ओपन डम्स इट कॉज एयर पोल्यूशन. आम ओपन बर्निंग रो कौन करचे बड़ बड़ गात खोलिकी से गात लेके अळिया आवर्जना जाक पकाउचे. नेक्स्ट है सानिटरी लैंडफिल्स सानिटरी लैंडफिल्स कौन वेस्ट आर डंप्ड इन ए डिप्रेशन एंड कवर्ड विथ डैट विभिन्न प्रकार सानिटरी वर्ड जको हमें लेके पके के वेस्ट डिस्पोजल करुचे. नेक्स्ट है रैग पैकर्स वेस्ट आर कलेक्टेड एंड सेपरेट आउट इन रियूजेबल एंड रिसाइकलेबल कैटेगरीज. विभिन्न प्रकार वेस्ट जको हमें जोडा को रियूजेबल करबा ताको अलगा करबा रिसाइकल होबा से जको अलगा करबा अलगा करिके ताको सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल करबा. हमें जदी यार्ड साइड लेके से जको पकेबा ताले से जको पोल्यूशन क्रिएट करबो. नेक्स्ट है रिसाइक्लिंग कौन e-waste can be recycled specifically built factories to recover important metals. विभिन्न प्रकार recycling उपाय रे आमे e-waste जाको आमे जति नै कि पकेबार e-waste जाउ जे डिस्पोज करबा तले एरा होचे सब जको e-waste ए जको नै कि जे आमे भले रे डिस्पोज करबा ताले ए जको पोल्यूशन करिवे नाही नेक्स्ट है रेडियोएक्टिव द पॉल्यूशन कॉज्ड बाय रिलीज ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन. जो सब्सटेंस जाको रेडियोएक्टिव एलिमेंट सृष्टि करती से जाको रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन कहिबा कॉजेस रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन सृष्टि होला तार कॉज कोन पड़ब ना गोटेला अनसेफ डिस्पोजल ऑफ रेडियोएक्टिव आमे आकु जे ठीक रे डिस्पोजल न करबा रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जाको ताले ये अधिक क्षति पहुंचेबो. आउ गोटे प्रोडक्शन टेस्टिंग एंड एक्सपोजन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ए जको आमे ठीक रे देखि करबा पड़िबो. आउ गोटे अनसेफ माइनिंग ऑफ रेडियोएक्टिव ओर्स आमे सब जक रेडियोएक्टिव ओर को ठीक रे डिस्पोज करबा. इफेक्ट कोन जदे रेडियोएक्टिव पोल्यूशन बढ़ुचि ताले कोन होबो रेडिएशंस फ्रॉम न्यूक्लियर वेस्ट कॉज म्यूटेशन एंड एट ए वेरी हाई रेट एंड मे बी लिथल. ए जको जदि रेडियोएक्टिव पोल्यूशन रो मात्रा बढ़ुचि ताले ये पोल्यूशन सृष्टि करुचि पॉल्यूशन सृष्टि करले यार इफेक्ट आम ऊपर पड़ी. नेक्स्ट है बायोरिमेडिएशन कौन इट इज ए वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक. बायोरिमेडिएशन हूँ गोटे वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक व्हिच इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू रिमूव पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम पॉल्यूटेड एरिया. बायोरिमेडिएशन हूँ गोटे प्रोसेस जो प्रोसेस की माइक्रो ऑर्गेनिज्म मानक यूज करके पॉल्यूशन रो मात्रा टाक कमा जाए. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन यूज करा जाए जमिति कि बैक्टीरिया फंजी ए दुटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मानको यूज करा जाए यूज करके पॉल्यूशन रो मात्रा टाको कमा जाए. बायोरिमेडिएशन इज डिफरेंट एट
यूजेस नो टॉक्सिक केमिकल बायोरिमेडिएशन टा सबुठ अलग जेहेतु एटी किछि टॉक्सिक सब्सटेंस यूज करा जाय नै पॉल्यूशन को कमाइबा पाइ। नेक्स्ट अछि तमरो डिफरेंस बिटवीन बीओडी एंड सीओडी। बीओडी मीन्स बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी मीन्स केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी रो अर्थ होची बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और सीओडी रो अर्थ होची केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी कोनो ना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन व्हिच कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया डिकंपोजिंग ऑर्गेनिक मैटर इन एरोबिक कंडीशन। गोटे एरोबिक कंडीशन माने जो प्रोसेस रे की ऑक्सीजन दरकार ना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन व्हिच कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया। जो ऑक्सीजन कंज्यूम करी बैक्टीरिया माने गोटे ऑर्गेनिक मैटर को वाटर रे भांगंती हला जतिकी ऑक्सीजन दरकार करी ऑर्गेनिक मैटर को वाटर रे भांगंती माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने ताकु कहबा बीओडी। सीओडी मीन्स अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द केमिकल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ टोटल ऑर्गेनिक मैटर। जते अमाउंट रो केमिकल दरकार गोटे ऑक्सीडेशन प्रोसेस हबा पई सेडा कोछंदी सीओडी बा गोटे केमिकल प्रोसेस हबा पई जते अमाउंट रो ऑक्सीजन दरकार सेडा कोछंदी जते अमाउंट रो ऑक्सीजन दरकार बा केमिकल्स दरकार सेडा कोछंदी सीओडी बा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट पॉइंट हला इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। बीओडी टा होची बायोलॉजिकल प्रोसेस जेहेतु एटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया माने सहाय्य करंती डिकंपोजिशन करबा पई। किंतु सीओडी टा होची केमिकल प्रोसेस जेहेतु एटी किछि माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने सहाय्य करंती नाही एटी विभिन्न प्रकार केमिकल सहाय्य करंती हला। नेक्स्ट बीओडी हला इट्स वैल्यू इज लोअर देन सीओडी। बीओडी रो वैल्यू टा होची लोअर देन सीओडी किंतु सीओडी कौन इट्स वैल्यू इज मोर देन बीओडी। सीओडी रो वैल्यू टा बीओडी थारु अधिक। नेक्स्ट पॉइंट हला इनकम्प्लीट डिग्रेडेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स। एटी बीओडी रे इनकम्प्लीट डिग्रेडेशन एटी किछि मात्रा रे रही जाए इनकम्प्लीट डिग्रेडेशन हुए ना सब डिग्रेडेशन हुए ना किंतु सीओडी रे सब जाक डिग्रेडेशन हुए। नेक्स्ट हला डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट कौन देखो नेक्स्ट हला प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट कौन ना दीज पोल्यूटेंट्स एंटर एयर डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट जाको डायरेक्टली सोर्स रु जानती एनवायरमेंट को किंतु सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट जाको डायरेक्टली जानती नहीं। The develop from interaction of primary air pollutants so to interaction kari ki secondary air pollutant jaka environment ko jaye kintu primary air pollutant jaka direct source ru jaye jemiti ki gote automobile ru jodi carbon dioxide bas bahare seda gote primary air pollutant sena directly environment ko jaye kemiti aa gote jodi ame example dekhiba jodi secondary air pollutant tale ozone gas jaka dita gas soito misiki jaye ki bayumandal ko jaye ki bayu nashta karanti। नेक्स्ट हला फोटोकेमिकल। नेक्स्ट पॉइंट हला फोटोकेमिकल रिएक्शन डू नॉट अकर। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट रे फोटोकेमिकल रिएक्शन हुए नहीं किंतु सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स रे फोटोकेमिकल रिएक्शन हुए। नो एनहांस इफेक्ट एटी किसी एनहांस इफेक्ट बा अधिक इफेक्ट किसी पड़े ना किंतु सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट रे मात्रा जदि बढ़े ताले तार इफेक्टेड अधिक मात्रा रे पड़े। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट रे एग्जांपल हला सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया ए जको। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट एग्जांपल हला सल्फ्यूरिक एसिड एरोसोल ओजोन ए जको सब एग्जांपल। बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स कोन दे आर डिकंपोज एंड डिग्रेड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म इनटू हार्मफुल मटेरियल। बायोडिग्रेडेबल जोटा कि इजिली बायोडिग्रेडेबल माटी रे इजिली मिसी परिबो माटी रे के इजिली मिसी परिबो ना माइक्रोऑर्गेनिज्म माने से कहउची दे आर डिकंपोज एंड डिग्रेड बाय माइक्रोब्स। बायोडिग्रेडेबल को डिकंपोज करंती बा माटी रे बिसांती को माने ना माइक्रोब्स माने हला किनो नॉन बायोडिग्रेडेबल कोन दे आर नॉट डिग्रेडेड और ब्रोकन बाय माइक्रोब्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल जाकू माइक्रोब्स माने ब्रेक डाउन करी परंती नाही एडा हला प्रथम पॉइंट। सेकंड पॉइंट हला दे आर रिसाइकल नेचुरली और आर्टिफिशियली। बायोडिग्रेडेबल जाको नेचुरली किबा आर्टिफिशियली डिग्रेडेबल हे परिबे किंतु नॉन बायोडिग्रेडेबल जाको रिसाइकल हे परिबे नाही। नेक्स्ट पॉइंट हला दे आर मेड अप ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। बायोडिग्रेडेबल जको नेचुरल इंग्रेडिएंट्स रे तयारी। नॉन बायोडिग्रेडेबल दे आर मोस्टली सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स ए जको सिंथेटिक बा केमिकल्स रे तयारी। बायोडिग्रेडेबल रे एग्जांपल हला काउ डंग पेपर गाय गोबर आ पेपर जको बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल जमिति के डीडीटी बीएससी प्लास्टिक्स पॉलीथिन ए जको हला नॉन बायोडिग्रेडेबल।
रिन्यूएबल सोर्सेस कौन इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन थ्रू आउट इट्स लाइफ रिन्यूएबल को हमें अगेन एंड अगेन यूज कर परबा रिन्यूएबल सोर्स को हमें अगेन एंड अगेन यूज कर परबा किंतु नॉन रिन्यूएबल सोर्स को हमें अगेन एंड अगेन यूज कर परबा नहीं इट कैन नॉट बी यूज अगेन एंड अगेन एज इट इज लिमिटेड जेहेतु नॉन रिन्यूएबल जक लिमिटेड हमें ताकु बारंबार यूज कर परबा नहीं किंतु रिन्यूएबल जक को हमें यूज कर परबा नेक्स्ट पॉइंट है रिन्यूएबल कौन दे आर एन They are the energy resources which cannot be exhausted. Non-renewable कौन? They are the energy resources which can be exhausted one day. Non-renewable जाको सॉरी बना ही किंतु renewable जाको सॉरी बना ही किंतु non-renewable जाको सॉरी जुबो. These sources are present in unlimited quantity. Renewable जाको unlimited quantity में present होची. किंतु non-renewable जाको limited quantity में होची. Non-renewable कौन? Renewable next point कौन? It is environmental friendly and the amount of carbon emission is low. Renewable जाको environment friendly जेहेतु इटे carbon रो मात्रा कम. किंतु non-renewable जाको environment friendly नुहे जेहेतु इटे carbon रो मात्रा अधिक. Renewable रो example लला sunlight, wind energy, geothermal energy. Non-renewable example लला coal, petroleum, uranium. ये जाको सबु. तो ये जाको हुची सबु example renewable आउ Non-renewable. These are the MCQs of environmental issue. First MCQ question number one is the increase in the amount of non-biodegradable pollutant in successive tropical level is known as food chain. Food chain is known as biomagnification. Jodi non-biodegradable pollutant jaka tropical level boru chanti ba food chain le boru chanti. Seda koi ba ame bio se condition ko ame koi ba biomagnification. Next हैला dash is the natural aging of lake by biological arrangements of water. ये जाको कोई बामे eutrophication. Next question हैला removal of pollutants by treatment of microorganism. ये जाको कोई बामे bioremediation. Rapid increase in accumulation in the population of algae in fresh water. Fresh water रे जदी algae रा मात्रा बढ़ोची ताले से जाको कोई बामे algal bloom. Acid rain is caused due to two gas, sulfur dioxide and nitrogen dioxide. Photochemical smog is always contain PAN and O2. Greenhouse effect is due to the presence of carbon dioxide and CH4. Smog is a combination of smoke and fog. In the year 1984, the Bhopal gas tragedy was caused by the leakage of which gas? Methyl isocyanide. Methyl isocyanide gas by Bhopal gas tragedy. Pollutant discharge by jet planes. जो पॉल्यूटेंट जाक जेट प्लेन द्वारा डिस्चार्ज हुए से जाक कहबा में एरोसोल्स कार्बन मोनोक्साइड किल्स एनिमल बिकॉज इट डिस्ट्रॉय हीमोग्लोबिन जदी कार्बन मोनोक्साइड मात्रा एनवायरमेंट पडुची सेडा जदी आसे की ह्यूमन बीइंग सहित बा एनिमल सहित मिसुची ताले सेडी हीमोग्लोबिन रा मात्राटा को कमे दोची मोल्टिंग ऑफ टीथ इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हला जो विभिन्न प्रकार टीथ रा डिजीज जाक होउची हला जदी ड्रिंकिंग वाटर रे फ्लोरीन रा मात्रा बडुची ताले फ्लोरीन मात्रा जदि ड्रिंकिंग वाटर बढ़ुची ताले विभिन्न प्रकार टीथ रे डिजीज हबो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन स्वेज वाटर बीओडी होची अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जति की रिक्वायर करंती माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने स्वेज वाटर रे ब्रेक डाउन करबा पई ऑर्गेनिक मैटर को व्हिच ऑर्गेनिज्म एक्ट एज अ बायोडिग्रेडेबल इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन लाइकेन मर्क्यूरी पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय मिनमेथा डिजीज मर्क्यूरो मात्रा जदि वाटर रे बढ़ुची एरोसेल कौन एन एरोसेल इज अ सस्पेंशन ऑफ फाइन सॉलिड पार्टिकुलेट्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स इन एयर एरोसेल जा कहउछन गोटे सस्पेंशन फाइन सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स आ स्मॉग हला स्मॉग इज अ काइंड ऑफ एयर पोल्यूशन ओरिजिनली नेम्ड फॉर द मिक्सचर ऑफ स्मॉग एंड फॉग स्मॉग और फॉग मिक्सचर हले स्मॉग फॉर्मेशन हबो एरोसेल दुई प्रकार गोटे नेचुरल आउ गोटे एंथ्रोपोजेनिक स्मॉग मध्य दुई प्रकार गोटे समर स्मॉग आउ गोटे विंटर स्मॉग एरोसेल आर फॉर्मड बाय फॉग डस्ट एंड स्मॉग एरोसेल जाक फॉर्मेशन हुए फॉग डस्ट एंड स्मॉग रु किंतु स्मॉग जाक फॉर्मेशन हुए नाइट्रोजन ऑक्साइड रो मात्रा जदी बढुचे एनवायरमेंट रे सल्फर ऑक्साइड रो मात्रा जदी एनवायरमेंट रे बढुची ताले स्मॉग